में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी बैठक में मौजूद हैं। SC ST को लेकर चिंतन शिविर की भी बैठक होगी। बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कार्य समिति की ये बैठक हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी बैठक में मौजूद हैं। वहीं SC ST को लेकर चिंतन शिविर की भी बैठक हुई। तो बैठकों से पहले क्या कुछ कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है और उस बैठक के निमित्त ही मेरा यहाँ आना हुआ है। पार्टी को और विस्तारित करने की दृष्टि से, उन क्षेत्रों में पार्टी को और मजबूत करने की दृष्टि से बातचीत होगी और संगठनात्मक विस्तार कैसे दिया जाए पार्टी को, इस मामले में आज बातचीत हो। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लगातार ये कोशिश है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण के लिए जो कार्यक्रमों की रचना करें, केंद्र सरकार जो कार्यक्रम बनाए उसको आदर्श ढंग से हम नीचे जमीन पर क्रियान्वित करें, और मुझे बताते हुए संतोष है कि चाहे वो कोरोना कंट्रोल का मामला हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का काम हो, हमने रोड मैप बना लिया और उसको क्रियान्वित करना शुरू कर दिया,